remove the left recursion from the following grammar. Okay, so consider the first question. यहां पर एक ग्रामर गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको अगर इसमें लेफ्ट रिकर्जन है तो इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दो. ओके, तो अगर आप ये पहले वाले प्रोडक्शन में एस ओपनिंग एल क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है कोई लेफ्ट रिकर्जन, एस डिराइव्स है नहीं है कोई लेफ्ट रिकर्जन, लेकिन अगर आप यहां देखें तो यहां लेफ्ट रिकर्जन है. ओके, जहां लेफ्ट रिकर्जन होता है उस वाले में हमको मिलता है अल्फा और जो रिमेनिंग बचता है उसको हम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री करते हैं. एक ही है तो बीटा ही रहेगा. अब ऊपर वाला प्रोडक्शन तो एज इट इज लिख जाएगा क्योंकि यहां कुछ हो ही नहीं रहा है, और नीचे वाले में हम अप्लाई करेंगे अपना मेथड. तो क्या मेथड है? एस एल डैश और एल डैश डिराइव्स कॉमा एस एल डैश और एप्सिलॉन. तो ये जो ग्रामर है ये क्या है? After removal of left recursion, okay, comma इसके grammar का part है, okay, don't be confused. Second को देखते हैं. अगर मैं इसको देखूं, ये दोनों match कर रहे हैं, इसका मतलब ये alpha one है, ये beta है. अगर इसमें देखूं, ये match कर रहे हैं, तो ये है. अगर इसमें देखूं, तो कुछ भी नहीं है. Okay, और ये एग्जाम्पल डायरेक्ट रिकर्जन था, ये भी डायरेक्ट रिकर्जन है. देख लेते हैं क्या लिखेंगे. ई डिराइव्स टी ई डैश, ओके, और ई डैश डिराइव्स प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन. ओके, साथ में अभी क्या हो रहा है, ये टी भी डिराइव कर रहा है, तो हम इधर अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, टी डिराइव्स एफ टी डैश, ओके, और टी डैश डिराइव्स स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन. ओके, तो ये सेकंड का हो गया. अगर थर्ड का देखें तो क्या बोलेंगे, एफ डिराइव्स मींस कुछ हो ही नहीं रहा, एज इट इज आप इसको लिख दोगे एंड दैट्स इट. तो ये जो ओवरऑल ग्रामर बन चुकी है ये क्या है, ये है आफ्टर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन. ओके, नाउ कम टू दिस वन. ओके, बड़ा सिंपल है. आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि अल्फा वन और अल्फा टू या अल्फा थ्री, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री क्या है. ओके, जनरलाइज्ड केस है. और डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, आर डिराइव्स ए आर डैश बी आर डैश. ओके, क्योंकि ए और बी क्या है, बीटा वन और बीटा टू है. ओके, आगे आते हैं. आर डैश क्या डिराइव करेगा, स्टार आर आर डैश डॉट आर आर डैश प्लस आर आर डैश. ओके, और साथ में टर्मिनेट कराना पड़ेगा किससे, एप्सिलॉन से. ये थर्ड एग्जांपल भी क्या है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है. ओके, एंड दैट्स डन.